डीएसके टीवी दा तारमक पुराला परम सत्कार योग गुरु रूप गुरसंगत जी, रसना करो पवित्र, आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई जीवन सिंह जी जैता, जिन्हां ने सरसा दी भयानक जंग विच जूझदे होए शहादत दा जाम पीता, जो आशक हैं शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ कर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं। उस मर्द जोधे दा इतिहास कहण तो पहला वीर अकबर सिंह जिया तो एक शब्द सुनो जी। जी मैं जिंदगी मर्द ते सूरम्या दी जेड़े किते वे काल पगा जांदे, लोकी पूज दी आयो ना पौरियां नूं जेड़े शमा ते बदन जला जांदे। ओ करनी पैंदी आ कदर फरिश्तियां नूं जेड़े मर्द शहादता पा जांदे। असल जिंदगी मर्द ते सूरम्या दी बहुते जन्म लैके धक्के खा जांदे, बहुते जन्म लैके धक्के खा जांदे। दुनिया दे इको एक शहीद धन गुरु तेग बहादुर, जिन्हां दा पवित्र सीस किते होर ते पावन धड़ नूं किते होर संस्कार कीता गया होवे। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडतां उत्ते ऐडा कहर दा कुहाड़ा चुकिया, कलमा जा कतल हुक्म लागू कर दिता। कश्मीरी पंडतां ने आनंदपुर साहब पहुँच के ताहां मार के गुरु तेग बहादुर जी दे दरबार विच पुकार कीती। दुखी बिपर कश्मीर के पहुँचे पूरी आनंद, बाँह असाडी पकड़ी है गुरु हरगोबिंद के चंद। गुरु जी जुल्म दा नाश करन लई पंजा प्यारियां समेत दिल्ली पहुँच गए। गुरु जी नूं लोहे दे पिंजरे विच बंद कीता गया। गुरु जी दे सामने भाई मती दास नूं आरे नाल चीर के दो फाड़ कीता गया। भाई सती दास नूं मणा मूही रूई विच लपेट के साड़िया गया। भाई दयाले नूं उबलदे पाणी विच उबालिया गया। गुरु तेग बहादुर जी नूं चांदनी चौंक दे चौराहे विच लियांदा गया। अपना धर्म छड्डो, इस्लाम कबूल करो। गुरु जी कहिंदे नहीं, दीन कबूल नहीं। काजी ने फतवा सुना दिता, इन्हां दा सीस धड़ तों जुदा कीता जावे। औरंगजेब हाथी ते सवार है, कहिंदा अजे भी मन जाओ, हिंदुआं दे पीर तां तुसीं पहलां ही हो, मुसलमानां दे भी पीर बन जाओगे, नहीं पता तुहानूं ਇਹ ਤੇਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਗ ਹਾਂ, ਪਕੜ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ ਸੌ ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ, ਜਦ ਦੇਖੀਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੇਗਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਤੱਕਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਲੱਖਾਂ ਲਵੇਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਧੜ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ਸਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਹਲੂ ਪੀੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਮੇਤ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਝਾ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੋੜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਈ ਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋਏ
सुनो हिंदुओ थोनू समझा दिया मैं, जगह मिलू ना किसे शमशान अंदर, रुलता हिंद दा पीर दखला दिया मैं। हो तड़ते सीस नू पावेगा हथ जेड़ा, खूनी कुत्तिया कोलो पुड़वा दिया मैं। बूटा नदी किनारे हिंद बैणदा है, भारत वासियों भाजड़ा पा दिया मैं। हो गीता भागवत होगा बंद थोड़ा, कलमे पाक कुरान पूड़ा दिया मैं। हजरत अली महम्मद दी करो पूजा, बर्मा विष्णु दा नाम मिटा दिया मैं। हो पूजा ठाकरा दी, ओए पूजा ठाकरा दी, टल खड़कने नी बंद संख कंडियाल करवा दिया मैं। तोती टिक्का जन आऊ जे नजरी आया, जौदा पकड़ के पुट्ठा लटका दिया मैं। हो सब ने मक्के मदीने दा हज करना है, गंगा पर्वती मोड़ चढ़ा दिया मैं। राम कृष्ण दा भी राम कृष्ण दा पल जो नाम लेना है, अल्लाह ताला दे दीप जगा दिया मैं। जो है दिल्ली दरबार दा हुक्म नामा है, पेपर तादरे कोल पहुंचा दिया मैं। पेपर तादरे कोल पहुंचा दिया मैं। गुरु जी दे पवित्र शीश ते धड़ नू चांदनी चौंक दे खुले अहाते विच सुटिया गया, तां कि लोकां विच डर पैदा कीता जावे कि धर्म दे राखे कहाउण वाले दा आखिर की हसर होया है। चांदनी चौंक दे सारे रस्तियां ते पहरा सख्त कीता गया। भाई जैता एक किनारे खड़ा सोच रहा सी, सच्चे पातशाह चिड़ी फर्क नहीं सकदी, पुलिसां दे पहरे ने, तलवारां दियां छावां ने, इन्ना दहशत फैलिया कि दुनिया सवास नहीं लै सकती। मैं पवित्र शीस किमें चक्कां, एक चरण दे भार खड़ के अरदास करन लग्या, हे गुरु नानक दी नौवीं जोत, किरपा करके दास ते नज़र पाओ, कोई बणत बनाओ, मैं सफल हो जा। अकाल पुरख की कृपा हुई, एक सुके अंबर बिजली कड़की, घटा चढ़न लगियां लाल हनेरी चुल्ली, दरख्त टुटन लगे, पर्वत हिलन लगे, ऐसी हनेरी दी चपटाई, पहरेदारां दे दिल दहला गए। वो अपनी जान बचाउण लई भज के कोतवाली विच जा वड़े। भाई जैते दा दिल ठंडा ठार हो गया, अपनी जान तली ते रखी, वो भी शब्द याद सन, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जाए, सिर दीजे कान ना कीजे। फिर योधे ने अपना परन पूरा कर ली, अपनिया कदमा अगे वधाइया। भाई जैता सतगुरां दे चरणा विच अरदास बेनती बई, हे इउं करदा सी बई। ओ जैता फरियाद करे मैनू रता मौत दा डरना, ए रस्म पराणी है पैंदा शीस तली ते तरना। मंजूर बचन तेरा सिर तर तली गली मोरिया, अरदास करे जैता दाता नजर मेर दी पाओ। मेरी ड्यूटी लाई सी नंदपुर साडा सी सपचाउना, बड़ भागी हो जामा जगते वार वार नहीं आउना। मैं सफल किवें हो जा कोई ऐसी झलक दिखाओ, अरदास करे जैता दाता नजर मेर दी पाओ। है पैरा जालमा दा पासे तलवारां दियां छावां, ना चिड़ी फटक सकदी मैं मजधार चगोते खावां। इस कुप हनेरे में कोई प्रेम दा दीप जगाओ, अरदास करे जैता दाता नजर मेर दी पाओ। एक डेढ़ कड़ी गुजरी बस एक चढ़ गई लाल हनेरी, चढ़ कर तफान गया
ਪਰਬਤ ਖਾਂਦੇ ਘੁੰਮਣ ਕੇਰੀ ਉਲਫਾਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬੱਚਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜੈਤਾ ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾਓ ਡੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀ ਜਾ ਜੈਤੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮੁਖੋਂ ਇਉਂ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੰਦ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜੈਤਾ ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾਓ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਸਾਰੇ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੇਲ ਮਲਾਏ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਵਣ ਜਾਰੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਣੀ ਆਏ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਕਰ ਪਾਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜੈਤਾ ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾਓ ਓ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਸੀਸ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਗਰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਜ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਟਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜ ਰਿਹਾ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਸਮਝਾਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜੈਤਾ ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾਓ ਕਰਬਾਨੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੂ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਰੇ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਚਾਂਦ ਸਤਾਰੇ ਜਦ ਯਾਦ ਆਵੇ ਜੈਤਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਰਾੜ ਚੁਕਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜੈਤਾ ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾਓ ਹੋਵੇਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਹੈ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਘੋਰ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਕਦੇ ਨੇ ਝਾੜ ਛੂਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਾ ਹਰੀ ਜਨੌਰ ਪਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਫਨੀਆਂ ਨਾਗ ਫਣ ਉਠਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਗੱਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰਦਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲਓ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਤੁਰਿਆ ਬਾਟਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇਉਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਬਈ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਗ ਮਰ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਰੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਹੋ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਚੁੱਕ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਦਰਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਦੀਆਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਤੁਰੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਓ ਪਾਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾ ਜੈਤੇ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਜੈਤੇ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਡੈਣ ਰੂਪ ਬਣ ਛੁਕੇ ਜਮਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਲਬਾਂ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦੀਆਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਤੁਰੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਸ਼ਮਾ ਪਰਵਾਨੇ ਦਾ ਆਈ ਐਨਲ ਹੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਦੀਆਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਦੀਆਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਤੁਰੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਦਾ ਮਹਿਖਾਨੇ ਚੋ ਪੀਤਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਮ ਸਰਾਹੀ ਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੀਆਂ
इश्के दे दस्तूर दिया सीस तली तर तुरिया वाटा लम्मिया दूर दिया कहते जालम काली रात अंबरों बिजली कड़क रही अंबरों बिजली कड़क रही है पैर पैर ते खतरा जिंद जैते दी तड़क रही हाँ जी सीस पचाउना सख्त डे आउटिया याद हजूर दिया सीस तली तर तुरिया वाटा लम्मिया दूर दिया ओ शायद कराई सेवा आपे रचने हारे ने याद रहू जग जैता जब तक चांद सतारे ने हाँ भी ठंडिया नजरा सदा मेरे ते नानक नूर दिया सच्चे नानक नूर दिया सीस तली तर तुरिया वाटा लम्मिया दूर दिया उथे नाग शूक दे यारी रस्ता कथन उजाड़ा दा रस्ता कथन उजाड़ा दा था था बुक दे शेर डोल दा जिगर बराड़ा दा हाँ बे शेर बराड़ा लख दे तर जाता सुतमूर दिया तर जाता सुतमूर दिया सीस तली तर तुरिया सीस तली तर तुरिया बट्टा लम्बिया दूर दिया होया दूजी रात त्रावड़ी पहुंचया सोचदा है हनेरी रात है सर्दियां दे दिन ने बारिश हो रही है महाराज दे सीस नू किथे रखां रात किथे कटां किदे घर जावां पत्ता पत्ता झाड़ झाड़ सिखां दा बैरी है फिर सोचदा है किसे दा भी घर आ जाए उसे नू आवाज दे उहदे विचों नौवें नानक दी आवाज आवेगी भाई जेते ने आवाज दित्ती मकान वाले हो जरा गेट खोलो ओ घर सी देवाराम धोबी दा ओदी पुत्री नौजवान जिहदा नां बीबी कमों दस्या उहने भज के गेट खोलिया उहने देखिया एक मर्द योधा सोने दी गंदल वर्गा शरीर उहनां दे गेट ते खड़े ने ओ कहिंदी वीर तूं आवाज दित्ती है कोई जाण पछाण है की कम है साडे घरे हनेरी रात है रात दे दस बजे ने जैते दे नेत्रां च अंसू आ भैण कोई कम नहीं मैं मजबूर हाँ तुसी मैनू नहीं जानदे मैं तुहानू नहीं जानदा मैं गुरु नानक साहब दा वास्ता पा के कहना मैं रात कट्टनी आ तड़के नू चला जावांगा मेरी ये प्रार्थना है कमो उहदे नेत्रां दे अंसू देख के उहदे घट रुके दी आवाज़ सुन के कुछ दहली ते उहने कहा वीर आ तू दोवें हथ पाई खड़ा छाती नू की है तेरी बुक्कल च ओ कहिंदा भैण ए नौवें गुरु नानक तेग बहादुर जी दा पवित्र सीस है पाणा वरत गया दिल्ली विच ओ कुड़ी दा दिल एकदम शेर रूप धार गया आ वीर अंदर ओ लड़की ने झुक के महाराज दा पवित्र सीस फड़ के एक उच्चे आसन ते सजा दिता पलंग बिछाया दुध गर्म किया सेवा की ए सारा कुछ देवाराम धोबी मंजी ते पिया देखदा सी कहिंदा मेरी पुत्री किसे बंदे नू अंदर किद्दां लैगी कोई बुढ़ा नहीं कोई माई नहीं नौजवान वीर है वह पुछदा अपनी प्यारी पुत्री नू जान पछाण कोई जापदी नहीं तै इनू रमज इशारा जिहा करके बुला लिया पलंग भी बिछाया दुध भी छकाया तियां तां शिंगार हुंदियां ने मापिया दा हुण देवाराम धोबी अपनी प्यारी पुत्री नू बई हे इउं पुछदा बई देवाराम धोबी कहिंदा तीए कुछ सोचना सी देवाराम धोबी कहिंदा तीए कुछ सोचना सी रमज इशारा जाच लाया जी नू कौन है जान ना पछाण कोई दिसे पर देसी बंदा गेट खोल अंदर बलाया जीनू कौन है सुंदर शरीर जीदा जो बन है सिखरा ते बिना भेद अपना बनाया जी
खुशियां च फिरे तेरा धरती न पैर लगे खुशियां च फिरे तेरा धरती न पैर लगे ऐडा सोना पलंग विछाया जीनू कौन है ओ पुत्तल जो कट तैनू इसने फड़ाया कुछ बुकल चो कट तैनू इसने फड़ाया कुछ माया तानी चोरियों बुलाया जीनू कौन है करके घर में पाके प्रेम वाला पक्का मिठा करके घर में पाके प्रेम वाला पक्का मिठा छन्ना पर दुध दा फड़ाया जीनू कौन है लम्मे लम्मे हो कह लेंदी नेत्रां च अंसू तेरे लम्मे लम्मे हो के लेंदी नेत्रां च अंसू तेरे दर्द दिला दा सुनाया जीनू कौन है तांदरे ने आखिया बराड़ा जरा दस सानू तांदरे ने आखिया बराड़ा जरा दस सानू ऐसा जाल प्रेम दा विछाया जीनू कौन है ऐसा जाल प्रेम दा विछाया जीनू कौन जद बीबी ने पिता नू सारा हाल दसिया पिता जी ए ता नौमे गुरु दा सिख है जो तुसी कहा कि तैनू बुकल चो कढ के की फड़ाया इस बंदे ने ए ता नौमे गुरु दा पवित्र सीस है इस बंदे ने तो बहुत बहादुरी की है दिल्ली दे चांदनी चौंक चो सीस उठा के ए ता आनंदपुर नू तुरिया जांदा देवा राम धोबी घबरा उठिया कहिंदा धीए ये शाही बागी है सरकार दा गौरमेंट दा चोर है ये ए सीस लई फिरदा असी पनाह दे रहे हैं सेवा करदे हाँ बेटी मुगलां दी सरकार है धरती पुठी कर देन आथण नू दिल्ली बेच ता हाहाकार मची होगी लश्कर चढ़े आउंदे होणगे जे अपने घरों महाराज दा पवित्र सीस बरामद हो गया ये बागी फड़िया गया सने बच्चे घाणी पीड़े जावांगे तैनू पता दिल्ली दे तख्त ते और बादशाह दा राज है जिन्हें अपने पिता शाहजहान नू कैद विच सुटिया ओ औरंगजेब जिसने तख्त ते कब्जा बाप दी छाती उत्ते पैर रख के अते भरावां दे खून विच तारी लगा के कीता ओ औरंगजेब जिसने अपनी भैण रोशन आरा ते अपनी बेटी नू जहर दिता ओ औरंगजेब जिसने सूफी फकीर सरमद दा कतल कीता धीए इस परोपकार नालों एवें चंगे इहनू कह जो लियांदा चक्के घरों बाहर कढ देवा राम धोबी अपनी प्यारी पुत्री नू कौड़े कौड़े शब्द बई हे इउं बोलदा सी ओई आ गई है दिशा चंदरी धीए पछतावांगे जे लाह विच दुख परांगे मारे मर जावांगे ओ निकलूगा बुरा नतीजा निकलूगा बुरा नतीजा तेरे उपकार दा छेती कर करो तोड़ दे बागी सरकार दा छेती कर करो तोड़ दे ओ पुलसा दे पैरे काबज किधर नू बात गई है दिल्ली चो सीस उठाउणा दिन तो हो रात गई ओ मुगलां दी सख्त हकूमत मुगलां दी सख्त हकूमत तुरबा संसार दा छेती कर करो तोर दे बागी सरकार दा छेती कर करो तोर दे ओ जैते दी जंद बचे ना धरती वड़ जावे जे लैके ते पंख सहारे
अंबर चढ़ जावे जे। ओ जैते दा दर्शन बेटा, जैते दा दर्शन बेटा, आखर दीवार दा शेती कर घरों तोड़ दे। बागी सरकार दा शेती कर घरों तोड़ दे। ओ चढ़गी हो शाही सेना एदी तलाश नूए, पाले एक हरन बचारा शेरा दे मास नू। ओ तरती दा तख्त हला दू, तरती दा तख्त हला दू, लश्कर सरकार दा शेती कर करों तोड़ दे। बागी सरकार दा शेती कर खरों कट दे। हो देगे हन तोखा बेटी लेख तकदीरां दे, पग्गा बिना नहीं थे आऊं दे खाने खंड खीरां दे। ओ त्याग शमशान जानदा, त्याग शमशान जानदा, सारे पुरबार दा शेती कर करों तोड़ दे। बागी सरकार दा शेती कर करों तोड़ दे। हो सुता सिंह शेर जगावे जंगला दे झाड़ा दा, बिरथा नहीं जांदा बोलिया बोल बराड़ा दा। हो परदे तू शंद तांदरे, परदे तू शंद तांदरे, पूरी रफ्तार दा शेती कर करों तोड़ दे। बागी सरकार दा शेती कर करों तोड़ दे। भाई जैता जी देखते ने हुण की बनूगा। उस बीबी विच एक जोत प्रगट होगी, एक शक्ति प्रगट होगी। वह कन्या शेर जो भमकी कहिंदी, पिता जी इहो जे जोधिया नू घरों बाहर कढ के जे लखां साल भी ज्यौंदे रहीए लख लाण तां उस जिंदगी नू मैं अपने वीर पिछे फांसी चढ़ सकदी हाँ, शहीद हो सकदी हाँ, पुरजा पुरजा कटा सकदी हाँ। कहिंदी आ पिता नू, जिंदा रहने की मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं, मरण दा समा चंगा नहीं मिलता, जिंदा रहन वास्ते बथेरे समय मिलते ने, पता नहीं केड़िया केड़िया जूना विचों निकल के ये मानस देही मिली है। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देह संजरिया। कोई तप नहीं कीता, भगती नहीं कीती, ए सेवा दा मौका किमें मिल गया, मैं ता पवित्र सीस चक के इहदे नाल भज्जण नूं तैयार हाँ। इहनूं घरों कढ़न दे शब्द तै किमें बोले, बागी क्यों कहा तेरी जबान ना फटगी। बीबी कम्मो बज्जर रूप धार के अपने पिता नूं इउं कहिंदी आ वई। हो कम्मो कहिंदी, पिता जी मेरी सुनो पकार, ए तां तेग बहादुर गुरु दा। हे तेग बहादुर गुरु दा, हे सच्चा सेवादार, इहनूं करो नहीं मैं तोड़ दी। हो करो नहीं मैं तोड़ दी, हो जू तीर कड़े जो पार, कहिंदी सीस पवित्र गुरु दा। हे सीस पवित्र गुरु दा, एने चक्किया जद निद तार, एने दिल्ली चांदनी चौंक दी। हो दिल्ली चांदनी चौंक दी, है दित्ती बदल नहार, एने पैरा हेठ लताड़ती। हो पैरा हेठ लताड़ती, पैरा हेठ लताड़ती, जो मुगलां दी सरकार कहिंदे है सब जगते। हो कहिंदी है सब जगते, अग्गे होवे जय जयकार, बीजो अर्श मंडल दे देवते। अर्श मंडल दे देवते, हो पुष्प रहने वार, कहिंदी जीवन
गाथा इस दी हो जीवन गाथा इस दी जग याद करू जुग चारिए ने रख दिखाउणी हिंद दी ओ रख विखाउणी हिंद दी रख विखाउणी हिंद दी महाजोधा है बलकार जैसे चक्या पहाड़ महावीर ने हो चक्या पहाड़ महावीर ने चक्या पहाड़ महावीर ने एदी घट नहीं फतार जैसे धरती गगन पताल दा जैसे धरती गगन पताल दा है तौले बैल सरपार एदी कदम कदम विच राज है ए ता ऋषियां दा सरदार हो कदम कदम विच रमज है ए है योद्या दा सरदार ए दे चरण कमल विच घुमदी चरण कमल विच घुमदी जो सुरगां दी अर्श बहार ए नू सीस नवा के अपना हो सीस नवा के अपना हो सीस नवा के अपना गल पाओ फुल्ला दे हार एनू अपने घर चो तोरना अपने घर चो तोरना अपने जीवन नू फटकार कहिंदी किसे कम नी जिंदगी हो किसे कम ना जिंदगी पामे जियो बरस हजार टिक्का लेना नहीं कलंक दा टिक्का लेना नहीं कलंक दा जग आना नी बराड़ो वारो वार सारी संगत आखो वाहे गुरु बीबी कमो ने पिता नू ठोस जवाब दिते मर्दां वाले ये तां मैनू मेरे प्राणा तो भी प्यारा जिन्हें मुगलां दी सरकार अपने पैरां हेठ लताड़ दित्ती ये तां कोई फरिश्ता बैठा अपने घरे तू गम ना कर घबरा ना उहदे ठोस इरादे ने पिता दा मन बदल दिता फिर भैण ने भोजन छकाया गुरु दे पवित्र सीस नू पखे चले सारी रात भाई जैता जी सुते रहे ते बीबी ने पहरा दिता तड़के नू खुशियां नाल अपने घरों विदा किया तरावड़ी तो मंजला मारदा होया तीजी रात नक्सलबंदी तुगल शाह दी कुटिया विच कट्टी सुबह उठिया संतां नू नमस्कार कीती रवान हो गया जंगला उजाड़ा बिया बाण विचों दी हुंदा होया चौथी रात नाभा साहब दरगाही शाह पीर दी कुटिया कोल पहुंचिया खिड़की दे मूहरे आवाज दित्ती बाबा जी गेट खोलो पीर जी दी सुरती अल्लाह खुदा परमात्मा नाल जुड़ी होई सी चौथी मंजिल विच पहुंचे होए सी है आखरी मंजिल फकीर दियो चौथी भूमिका विच निवास जिथे जागृत सुपन संखोपति छड तिने तुरिया सत स्वरूप तलास जिथे बंद करके नौवां दरवाजिया नू द्वार दसवां खोल के वास जिथे काया साज थी सुने आवाज अनहद नाल आत्मा नफज करास जिथे जद द्वारा उच्ची आवाज दिती संतां दी समाधि टुट गई क्रोध चढ़ गया पीर नू पुछिया कौन है तू कित्थों आया कित्थे जाना भाई जैता जी कहिंदे दिल्लियों आया जाना आनंदपुर नौवें सतगुरु दा सिख हाँ जदों कहा ना मैं नौवें सतगुरु दा सिख हाँ दरगाही साहब पीर नू शांति आ गई कहिंदा ओ मना जिहदी मूर्त तू अंदर समाई बैठा सी इह तां सिख उसे दा ही निकलिया चा चढ़ गया भाई जैते नू शक पै गया कि पहला ये क्रोधी सी ते हुण ये दयावान किते सी आई डी ना कर देवे जैता जी कहिंदे तू मुसलमान मक्के दा पुजारी कुरान दा पुजारी ते तू गुरु दा पुजारी किवें बन गया तहां निकल गईयां दरगाही शाह फकीर दियां हिरदा हो गया पानी तो पतला कहिंदा सिखा तू नहीं आया मेरे घरे तां गुरु तेग बहादुर ही आ गए हुण दिल दा दर्द दसदा कहिंदा सज्जणा सुण मेरा तां गुरु जी दीन ते अमान है
मैं एक दिन गया सी आनंदपुर, जिवें गुरु नानक ने मक्का घुमाता सी मेरे दिल नू घुमाता सी गुरु तेग बहादुर जी ने, तू घबरा ना अंदर आ जा, नाले ता बराग च चल दिया अंसू। सुनो कहिंदा दरगाही शाह, मेरा ता गुरु जी दीन ते अमान है, इउं कहिंदा सी बई। ओ फड़ ले चरण दरगाही पीर ने, फड़ ले चरण दरगाही पीर ने, शायद मोड़ा खादा मेरी तकदीर ने, शायद मोड़ा खादा मेरी तकदीर ने। ओ नैणो वेंदे नीर रक्त की जबान है, नैणो वेंदे नीर रक्त की जबान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है। कहिंदा हिरदे उहनां दी मूर्ति वराज दी, हिरदे उहनां दी मूर्ति वराज दी, पदवी बख्श दित्ती जोगी राज दी, पदवी बख्श दित्ती जोगी राज दी। हो गए सी गरीब उत्ते मेहरबान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है। कहिंदा एक वारी होया उहनां दा दीदार सी, एक वारी होया उहनां दा दीदार सी, बेड़ा भाव सागरां चो लाता पार सी, बेड़ा भाव सागरां चो लाता पार सी। ओ मेरे जैसे लखां जोगियां दी शान है, मेरे जैसे लखां जोगियां दी शान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है। हां जी कटता 84 गेड़ा दूर दूर दा, कटता 84 गेड़ा दूर दूर दा, हिरदे च होया प्रकाश नूर दा, हिरदे च हो गया प्रकाश नूर दा। मैं ता चक पास रखती करान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है। हां जी आसन विछा के दोवें हाथ जोड़दा, आसन विछा के दोवें हाथ जोड़दा, मैं ता ओदे सिखां दा दीदार लोड़दा, मैं ता ओदे सिखां दा दीदार लोड़दा। जिन्ना ने रचाया जिमी आसमान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है। हां जी बुकले च दस की लकाया बेलिया, बुकले च दस की लकाया बेलिया, तेरा दिसे चेहरा मर जाया बेलिया, तेरा दिसे चेहरा मर जाया बेलिया। ओ लीला वेख जैता हो गया हैरान है, ओ लीला वेख जैता हो गया हैरान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते ईमान है। हां जी चुगने सी मोती ते वक्त थोड़ा सी, चुगने सी मोती ते वक्त थोड़ा सी, कठे हो गए दोवें हंसा दा जोड़ा सी, कठे हो गए दोवें हंसा दा जोड़ा सी। ओ तांदरे पै गई जान विच जान है, तांदरे पै गई जान विच जान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते अमान है, मेरा ता गुरु जी दीन ते अमान है। जद उन्हें हिरदे विचों आवाज़ दित्ती, मेरा दीन अमान सतगुरु हन, जैते नू विश्वास हो गया है कोई रब दा प्यारा। पीर जी कहिंदे बुकल च दस की लकोया बेलिया, चेहरा तेरा दिसे मर जाया बेलिया, तहां निकल गया भाई जैते दियां। पीर जी मेरी बुकल च सीस है उन्हां दा जिहदे तू दर्शन करने चाहुंदा सी, चल तेनू दर्शन करावा नौवें नानक दा। अंदर चले गए कुटिया च, दर्शन कीते धड़ है नहीं, उच्चे थां ते सतगुरां दा शीस टकाया। बर्म बचारा करन तों बाद जैता जी सौं गए, पीर जी पखा चलदे रहे, रात गुजारी, उत्थों विदा हो के कीरतपुर साहब पहुँचे, सुनेहा भेजिया आनंदपुर साहब नू, बुकल च शीस है, खड़ा सोचदा सच्चे पातशाह माता गुजरी नू की सुनेहा द्यों, जिन्हां दे सिर दा तुसी सुहाग हो, माता नानकी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਚੋ ਚਿਖਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕੱਲਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਧੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇ। ਚਿਖਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਗਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਵਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਂਬੂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਹ ਲਾਵਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਝੂਠੇ ਫਤਵਿਆਂ ਨੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਚੀਰੇ, ਕਿਉਂ ਸਾੜੇ, ਕਿਉਂ ਵਾਲੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲਾਵਾ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਬਈ ਹੇ ਇਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ। ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀ ਆ ਗਿਆ ਦਤਾਰ ਦਾ, ਫੜ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰ ਦਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਖੰਡ ਚੋਂ ਪਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਕੈਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖੀ ਡੈਣ ਦੇ, ਹੂਲੀਏ ਵਿਗਾੜ ਦੂੰ ਲਾਵਾ ਜੋ ਫੜਾ ਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਚਖੜ ਉੱਡੀਆਂ ਪਨਾਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਚਿਖਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਗਰੇਟੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕਿਹਾ। ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ,
कीनो बड़ो कलू में साका इन्ना कुछ कहिंदे होए खेमा दे जाचकां बोलदियां तो बहुत शब्द अधूरे निकल गए होणगे। गुरसंगत बख्शण जोग है जे सानू किसी ने दर्शन देने होण। जगतार सिंह धांदरा पंचायत सकत्तर ब्लाक लुधियाणा 1-98-766-7965 साथी इकबाल सिंह जी बराड़, राज सिंह जी बराड़, परमजीत सिंह जी पम्मा तिने वीरां दा पिंड फेरो के नेड़े जीरा जिला फिरोजपुर। असी हर ऐतवार स्वामी रामपाल सिंह जी झांडे वाले उन्हां दे दरबार विखे हाजरी लाउंदे हाँ। उन्हां दी कृपा दा सदका यह इतिहास बोलण दा यतन कीता। दिओ आग्या, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।